21 दिन में बालों की लंबाई को दोगुना कीजिए। हल्के झड़ रहे पतले बाल ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं। बालों को दोगुनी तेजी से बढ़ाने की उपाय। दोस्तों, अगर आप बालों की झड़ने से परेशान हैं, आपके बाल लगातार टूट रहे हैं, बाल बिल्कुल पतले हो गए हैं, तो ये उपाय आपके बालों को दोगुनी तेजी से बढ़ाएगा। ये रेमेडी। बालों के झड़ने की, पतले होने की कई तरह के रीज़न होते हैं। कई तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट गलती से हम यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि फ़ायदा स्वरूप कुछ समय तक तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, कुछ समय के बाद बाल और भी तेज़ी से झड़ने लगते हैं। बालों की लंबाई बिल्कुल रुक सी जाती है, बाल बिल्कुल रूखे और बेजान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो रेमेडी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, इसके इस्तेमाल से बस 21 दिनों के अंदर आपकी जो बाल है ये दो गुनी तेज़ी से बढ़ने लगेंगे, आपके बालों की पूरी तरीके से केयर होगी। तो दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल में चावल लिया हुआ है, आप देख ही सकते हैं, वीडियो में मैंने आपको दिखाया, मैंने यहाँ पे एक बाउल में चावल लिया हुआ है। दूसरा इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ओनियन, यानी कि प्याज। आप देख सकते हैं, अगर आपके पास रेड वाला प्याज हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो ऐसे नॉर्मल प्याज भी आप यूज़ कर सकते हैं। गाइस, प्याज के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि हमारी बालों को रीग्रोथ कराने में, हमारी बालों को जड़ से मजबूत बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। और ये जो सल्फर की मात्रा है, ये रेड प्याज में बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। प्याज के अंदर भरपूर मात्रा में सल्फर होने के कारण ये हमारे बालों को दुगनी तेज़ी से बढ़ाने में मदद करता है, हमारी बालों को टूटने नहीं देता। और ये जो सल्फर है, ये रेड प्याज के अंदर भरपूर मात्रा में होता है, बहुत ज़्यादा परिमाण में होता है। अगर आपके पास रेड प्याज नहीं है तो आप यहाँ पे नॉर्मल प्याज भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे साइज़ का दो प्याज लिया हुआ है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसका छिलका आपको नहीं निकालना है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे छिलके को नहीं निकाला है, और ऐसे ही मैं इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। ऊपर का जो छिलका है उसका आपको नहीं निकालना है, और प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है, जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हैं। गाइस, ये जो प्याज है, ये हमारी बालों को रीग्रोथ कराता है। जहाँ पे हमारे बाल उगना बंद हो जाते हैं, वहीं पे हमारी बालों को उगाने में मदद करता है। सो नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे एक सस्पेन लिया हुआ है, जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हैं, और यहाँ पे मैंने एक कप जितना पानी डाला हुआ है, और एक कप पानी में मैं यहाँ पे नेक्स्ट ऐड करूँगी, जो मैंने पहले लिया हुआ था चावल, उसी को मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच चावल डाल दिया है उस सस्पेन के अंदर, जहाँ पे मैंने पानी डाला हुआ था। और उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे मैं डालूँगी प्याज, जो कि मैंने पहले कट करके रखा हुआ था। तो आपको भी एक सस्पेन लेनी है, वहाँ पे आपको बड़े साइज़ के कप में एक कप पानी लेनी है, और उसके बाद आपको वहाँ पे 2 से 3 चम्मच चावल डाल लेनी है, उसके बाद जो प्याज आपने कट किया होगा उसी को डाल लेना है, और फिर इन सबको गैस में चढ़ा देना है लो फ्लेम में पकाने के लिए। सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे गैस में चढ़ा दिया है इसको। तो आपको क्या करना है, इसको मिनिमम 10 से 15 मिनट तक पकाना है, उससे कम ये नहीं हो पाएगा। तो आपको 10 से 15 मिनट तक इसको ऐसे पकाना है, पानी बिल्कुल आधा हो जाएगा, और ये जो चावल है ये बिल्कुल मतलब फूल सी जाएंगे, और इसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी के अंदर आ जाएंगे। सो आप देख सकते हैं गाइस, मैं इसको पका रही हूँ, और पकाने के बाद इसका जो कलर है ये वाइट के फॉर्म में आ जाएगा, बिल्कुल वाइट नहीं बट थोड़ा सा वाइट आ ही जाएगा। सो आप देख सकते हैं पकाने के बाद इसका कलर, इसका टेक्स्चर, रेड प्याज की वजह से पानी भी थोड़ा सा रेडिश इन कलर में आया है, आप देख सकते हैं गाइस। फिर हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और ठंडा हो जाने के बाद अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे, यानी कि छान लेंगे। ये जो पानी है गाइस, ये हमारी बालों के लिए वरदान है, क्योंकि इसे लगाने के बाद हमारी बालों की बहुत सारी परेशानियां दूर होंगी। हमारे बालों का पतला होना, दो मुहे बाल आना, फ्रीजी हेयर होना, ये सारे समस्या दूर हो जाएंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने छान लिया है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा जो मैजिकल हेयर टोनर है ये बनके बिल्कुल रेडी है। तो गाइस, आप इस पानी को 15 से 20 मिनट 20 दिन तक आप आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, किसी भी जार में, किसी भी ग्लास जार में, किसी भी स्प्रे बोतल में आप इसको 20 दिन तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। तो आपको इसको अप्लाई कैसे करना है, आप चाहें तो एक कॉटन की मदद से भी इसको अपने स्कैल्प में
अपने बालों में भी लगा सकते हैं, और अगर आप ना चाहें तो एक स्प्रे बोतल की मदद से भी आप इसको अपने पूरे हेयर में स्प्रे कर सकते हैं। स्पेशली आपको अपने स्कैल्प में इसको मसाज करते हुए लगाना है, ताकि ये जो पानी है ये हमारी स्कैल्प के थ्रू अंदर जाए और हमारी बालों को अंदर से मजबूती दे, ताकि हमारे बाल फिर से टूटे नहीं। तो आप इसको इसी तरह से आपको लगाना है, और लगाने के बाद आप चाहें तो इसको पूरा ओवरनाइट अपने हेयर में छोड़ सकते हैं, नहीं तो जिनके पास टाइम नहीं है वो सुबह एक घंटा इसको लगाकर उसके बाद हेयर वॉश कर सकते हैं। और आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार आराम से यूज़ कर सकते हैं गाइस। एक बार यूज़ करके देखिए, एक हफ्ता यूज़ करके देखिए, आपको बहुत ही विजिबल डिफरेंस दिखेंगे, बहुत ही डिफरेंस दिखेंगे अपने बालों में। ये जो पानी है दोस्तों, ये इतना फ़ायदेमंद है कि आप ये आपके बालों की केयर करेगा और 21 दिनों में ही आपके बालों की ग्रोथ को 2 गुनी तेज़ी से बढ़ाएगा, यानी कि डबल करेगा। एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा रेमेडी है, कोई हार्मफुल नहीं होने वाला है। इनफैक्ट आपकी बालों की जो भी समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाएंगे, आपके बाल फिर से रीग्रोथ होने लगेंगे। सो आई होप गाइस ये जो वीडियो है आप सबको पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।